हेलो फ्रेंड्स, विप्लव ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यूजीसी नेट में नया सिलेबस कबीर के शाखी का पद संख्या 160 से 209 तक लगा हुआ है और संपादक का भी नाम ब्रैकेट में जी दिया हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिसे हमने शॉर्ट फॉर्म में एच द्विवेदी लिखा है। तो दोस्तों, ध्यान से देखिए, आज जो हमें साखी का पहला दोहा पढ़ेंगे जो 160 नंबर का है, जिसे आप बोर्ड पर देख सकते हैं। कबीर दास जी कहते हैं, लोग मती के भोराए, अर्थात कबीर दास जी को समझिए कि लोग मती के भोराए, मतलब कहते हैं लोग जो हैं इस संसार के जो सामान्य आदमी हैं, जो लोग हैं, वो मती से बड़े भोले हैं, बड़े सीधे हैं। आगे कहते हैं, जो काशी तन तजे कबीरा, कबीरदास जी कहते हैं लोग यह सोचते हैं कि काशी में अपने को तजने से, काशी में मरने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अगर काशी में मरने से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती तो राम ही कहानी हो रहा है, मतलब अगर काशी में प्राण त्यागने से ही स्वर्ग मिल जाता तो फिर राम को भजने की आवश्यकता क्या थी। अगर कहीं पे काशी हो या अन्य किसी जगह हो, कहीं पर मरने से ही स्वर्ग मिलता तो भगवान को भजने की आवश्यकता क्या थी। अगला लाइन देखिए, कहता है तब हम वैसे अब हम ऐसे, मतलब पहले हम भी वैसे ही थे, हम भी इसी मान्यता को लेकर चल रहे थे कि काशी में मरने से स्वर्ग की प्राप्ति, लेकिन अब हम समझ गए हैं कि काशी में मरने से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होते। यह जन्म का लहार, मैंने समझ गया कि भगवान के भक्ति, भगवान के शरण में जाकर ही हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, ना कि कहीं पर मरने से। अगला लाइन देखिए, कहता है ज्यो जल में जल पैसे ना निकसे, जिस प्रकार से जल में जल को मिला देने से, अर्थात दो जल को एक साथ मिला देने से इन जल को अलग नहीं किया जा सकता है, उन्हें पृथक नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार से यो दूरी मिलिया जुलाहारे, उसी तरह से ईश्वर या राम के बीच आत्मा का एकता मिल जाने से, उनके प्रति समर्पित हो जाने से, दोनों के बीच निर्गुण निरंकार ब्रह्म में एकाकार हो जाने से जीवात्मा को परमात्मा से अलग नहीं किया जा सकता है। आगे समझिए, राम भक्ति परिजाको हितचित, कि राम भक्ति के द्वारा ही, अगर राम भक्ति के द्वारा ही हम अपने मोक्ष तक पहुंच सकते हैं, ताको अचरज कहा है, इस बात में किसी तरह का अचरज या इस बात में किसी तरह का आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आगे कहते गुरु प्रसाद साध की संगति जन जीते जाए जुलाहार, यानी गुरु प्रसाद यानी गुरु जो साधु संत है के संगति के द्वारा ही आप अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। आगे कहता है कि कहे कबीर सुनो रे संतु भरमी पड़े जिनी कोई रे, यानी कबीर दास कहते हैं सुनो संतु, संसार में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं जो भ्रम में पड़े हुए हैं। जस काशी तस मगहर उषर, जैसा कि काशी है वैसा ही मगहर है, इन दोनों में से किसी स्थान पर ही पर भी प्राण त्यागने से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगा। हृदय राम सती होई रे, यानी हृदय में राम को रखने से ही, उनके प्रति समर्पित होने से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो दोस्तों,
इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा यूजीसी नेट में, उन्हें भी समझ लीजिए कि हो सकता है कि यही लाइन दे दे, और इसमें से क्वेश्चन पूछेगा तीन चार ऑप्शन में, 1, 2, 3, 4। इसमें कह सकता है 1 सही, 2 सही, 3 सही या 4 सही, या 4 स्टेटमेंट आपको दे सकता है कि उपर्युक्त स्टेटमेंट में निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्था है, बाह्य आडंबरों का विरोध है, काशी या मगहर में प्राण त्यागने से सब कुछ होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें देखना होगा कि 4 स्टेटमेंट में कौन सही है कौन गलत है। इसमें से ऑप्शन ले लेगा 1, 2, 3, या फिर बी में ले लेगा 2, 3, 4, या सी में लेके ले लेगा 1, 4, और डी में ले लेगा और। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से समझ के आप बना सकते हैं। अगर इस तरह से आप समझेंगे तो पढ़ाई एक खेल बन जाएगा और आसानी से आप पूरे कबीर के पद को समझ सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।